नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मातृ सदन के स्वामी शिवानंद ने स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर में कब्जे को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बाबा रामदेव को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि करीब 350 बीघे में संचालित गुरुकुल महाविद्यालय का व्यवसायीकरण करते हुए पतंजलि में विलय का प्रयास नहीं करें एवं पुरानी परंपरा के अनुसार गुरुकुल महाविद्यालय का संचालन करें, जहां छात्रों को आवश्यक सुविधा के साथ वैदिक शिक्षा का ज्ञान प्राप्त हो सके। ऐसा नहीं होने पर मातृ सदन बाबा रामदेव के खिलाफ आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। मातृ सदन आश्रम जगजीतपुर कनखल में पत्रकार वार्ता के दौरान स्वामी शिवानंद ने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर बाबा रामदेव उनका सम्मान करते हैं, इसलिए उन्होंने बाबा रामदेव को पत्र भेजकर गुरुकुल महाविद्यालय में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करने की सलाह भी दी थी, लेकिन बाबा रामदेव ने शासन प्रशासन की शह पर गुरुकुल महाविद्यालय पर कब्जा कर लिया है। देर रात को उन्हें जानकारी मिली। मातृ सदन इस अनैतिक कार्रवाई का विरोध करता है और बाबा रामदेव को गुरुकुल महाविद्यालय को पुरानी परंपरा के अनुसार संचालन करने की सलाह देता है। गुरुकुल महाविद्यालय का व्यवसायीकरण होने से वहां पढ़ने वाले छात्रों के साथ संस्थागत लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। स्वामी शिवानंद ने कहा कि कोर्ट में मामला विचाराधीन होने के बावजूद इस प्रकार की घटना से लोगों का शासन प्रशासन पर से विश्वास उठने लगा है। उन्होंने पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद एवं वर्तमान डीएम पर भी सवाल उठाए और सिटी मजिस्ट्रेट की कार्यशैली पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया। स्वामी शिवानंद ने कहा कि मातृ सदन में 3 और 4 जून को आयोजित भारतीय किसान मजदूर उत्थान संगठन के पर्यावरण सम्मेलन में गुरुकुल महाविद्यालय पर कब्जे के विषय को प्रमुखता से उठाया जाएगा। हरिद्वार से हमारे संवाददाता विनोद अग्रवाल की रिपोर्ट। उसके अधिकार के बाहर की बात है, जब ऋषि भर नियुक्त हो और ऋषि भर जिस हिसाब से संस्था का बायलॉज है जिसमें से विद्यार्थी फ्री पढ़ेंगे, गुरुकुल पद्धत में रहेंगे, प्राचीन संस्कृत का के रूप में रहेंगे, तदनुकूल चले। तो इसके लिए हम आप लोगों को दिखाई देना चाहते हैं, रामदेव को भी आगाह कर, और सबसे बड़ी बात है प्रत्येक पेपर से गायब है जी, ये भी तो बड़ी ताज्जुब की बात है। रात में हमको पता चला तो विकास झा जी को फोन किया, इनको भी नहीं पता था, तो ये कहीं के पता करके बताए कि हम बात है। हम तो सब जानते हैं लेकिन गायब है तो ये गायब होने से नहीं चलेगा। ब्रह्मांड की कोई भी हमको केवल एक चीज चाहिए, सत्य। हम साधु बने हैं, हमको ब्रह्मांड में किसी का भय नहीं है। जहां सत्य होगा, हमारे प्रिय से प्रिय आदमी यदि गलत काम करेगा तो मैं उसके विरोध करूंगा। सत्य के लिए हम कितना कुर्बानी दिए हैं और देंगे, ये इस संदर्भ में है कि आप लोग मैसेज दे दें कि मातृदन का खुल करके विरोध। और मैं डीएम साहब से पूछता हूँ कि इस पर डीएम साहब ने ये पत्र किस आधार से लिख दिया, कैसे वो समझ गए कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा और इन डीएम साहब के आदमी के साथ सिटी मजिस्ट्रेट के साथ कौन सा अंदर ठीक है वहाँ पुलिस बल तैनात होती, कैसे वो प्रवेश कर गया। तो पुलिस बल तैनात की पहले की स्थिति में पुलिस बल के लिए है कि पुलिस बल 200 आदमी को गिरवा बसदारी 200 आदमी को लेकर के, और रामदेव का धर्म सन्यासी बना है इसलिए सन्यासी बना है, अपनी सेना बना है, और ये सन्यासी का कर्तव्य है दूसरे की जमीन का कब्जा करना। अपनी निजी सिक्योरिटी तैनात, उनका निजी सिक्योरिटी वहाँ कैसे तैनात है, और सुनने में आया पत्रकारों को भी नहीं जाने दिया जा रहा है। तो क्या डीएम साहब यही करते हैं, डीएम साहब को पत्र लिखेंगे कि हमको आप जवाब दिए 24 घंटा कर लेना, आपने इस तरह आदेश क्यों नहीं किया। फिर आंदोलन भी शुरू कर सकता है। नहीं नहीं, संविधान के ये कैसे जा सकते हैं, ये तो व्यावसायिक आदमी है, ये अपने को कैसे कहते हैं हम सन्यासी भेजने व्यावसायिक आदमी है, ये कहते हम गुरुकुल चलाते हैं, तो ये गुरुकुल चलाते हैं कौन सा कहता बिरला भी स्कूल चलाता है। जो कोई भी फैक्ट्री होता है उसको नियम है कि 2-4 स्कूल कॉलेज खोले, उतना तो खोले भी नहीं जितना इनका है, उस हिसाब से स्कूल कॉलेज खोले भी नहीं। खींचतान हमको कोई मतलब नहीं था, आपसी मैंने बहुत झगड़ा करता था, हमको कोई मतलब नहीं, हमारे पास जब तक कोई आता नहीं। इस बीच में वहाँ के एक दल के व्यक्ति मेरे पास आए और बोले कि रामदेव जी कब्जा करके अपने पतंजल में मिलाना चाहता है, ये बहुत ही क्योंकि रामदेव जी बड़े ही सन्यासी हों हैं, पूर्ण व्यावसायिक, उनका प्रत्येक एक्टिविटी व्यावसायिक है। अब जब सन्यासी को लेकर के यहाँ पर कब्जा करने में आए हैं तो उनका सन्यासी को भी अब लगता है कि जो व्यवसाय में ढकेलना चाहते हैं, सन्यासी का भी कर्तव्य।
और दर्शनानंद जी का सिद्धांत पुरानी गुरु पद्धति से चलाना था, इसलिए 350 रुपया चलनी थी और वो लोग कहते हैं बहुत बढ़िया चल रहा, ठीक है बहुत बढ़िया से नहीं चल रहा था, तो पैसा की जरूरत थी तो बहुत पैसा वाला दान कर देते, सब चीज़ में हम ही कूद जाएँ। माशा तो आप देखते हैं कितने के काम देखती है, और कहीं एक पैसे का रख दिया भाई हमको भी रख लो, कहीं नहीं रखती है, जो जहाँ है वो उसी रूप में चले। तो इस ढंग से जब बात हुई तो उसके बाद परसों उनसे हमारी मुलाकात हुई थी, उसमें मैंने उनके कह दिया था कि यदि सब कहते सब चाहता है उनको, सब कहते सब चाहता है तो उसे आप पतंजलि में मत मिलाइए, आप ही को सब अध्यक्ष बना देता है, बने रहिए कोई बात नहीं, लेकिन उसी दर्शनानंद जी का जो सिद्धांत है, उनका जो डीड है, उनका जो बायलॉज है तदन, और उनकी जो कार्यकारिणी लोग हैं उन्हीं के अनुरूप वो चलेगा, इसमें कोई आओ उसमें हम ही चलेंगे आपको मदद करेंगे। तब कल एकाएक त्रयोदशी का दिन था और एकाएक ये घटना सुनने में आई है, और सबसे बड़ी बात है समस्त पेपर समझ न्यूज से ये इतना इम्पोर्टेंट न्यूज गायब है, तो मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूँगा कि कृपया अपने पत्रकारिता के धर्म को निभाएं, चाहे रामदेव हो चाहे कोई, चाहे मोदी जी क्यों, सत्य सत्य है। और यह विद्यालय महाविद्यालय पतंजल के से बहुत पहले से बना हुआ है, तो उनकी जो अपनी परंपरा है उसी रूप में रहे, और अब हरिद्वार में यदि इस ढंग की बात इससे पहले भी अवधूत मंडल में एक सन्यासी को एकाएक सन्यासी बना करके कुछ लोगों ने बैठा दिया और भगवान दास जैसे विद्यालय को नष्ट कर रहा है, तो हम अब इसके अखाड़ा वाले सब उनको पौराणिक काल से जो संपत्ति मिला हुआ था उसे खुद डूब करके प्लॉटिंग कर दी। तो हरिद्वार में ऐसी बहुत जगह ये बातें सब हो रही हैं, तो माँ चेतन अविश्व नजर रखेगी और अभी तत्काल हम इसके लिए अनुरोध करते हैं, ठीक है पौराणिक व्यवस्था से कार्यकारिणी बने, ये तीसवान हटना चाहता है उसको हटा दे, वो जो प्रमुख कारण दूसरा कोई अध्यक्ष चुन लेगा, तीसरे अध्यक्ष है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।